ये जो हम पर आरोप है कि आप एक्टिविज्म ज्यादा करते हैं, आप जर्नलिज्म नहीं करते, मेरी कहानी मुझसे बेहतर आप बताएंगे, ये जर्नलिज्म मैं नहीं मानता, ये मैं आपकी क्वालिटी नहीं मानता। और आप समझें कि दलित पिछड़े जो लोग हैं वो सामने बैठेंगे पंडाल में, आपके लिए कुर्सियां बिछाएंगे और फिर तालियां बजाएंगे जब आप हमारी कहानी बता के अवार्ड लेंगे, तो ये नहीं होने वाला। और जब हम कहानी बता रहे हैं तो आपको सुनना पड़ेगा ना भाई, आपके पुरखों ने क्या किया सुनना पड़ेगा। हाँ हमने लोगों का हक मारा है, हाँ हमने लोगों को पढ़ने नहीं दिया, हाँ हमने लोगों को मेरिट धारी होने से रोक दिया। क्यों हमारी जो महिलाएं हैं आदिवासी वो 14 साल पहले मर जाती हैं? क्यों हमारे लोगों को जो है बेसिक सैनिटेशन नहीं मिलता? क्यों उनको स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते? क्यों हमारे बच्चे IIT IIM जैसे बड़े संस्थानों में जाके उनकी सांस्थानिक हत्या हो जाती है, उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है? कि क्यों इस देश में लोगों की नौकरियां चली गई? क्यों आपने कोरोना के समय में व्यवस्था नहीं बनाई? क्यों आपने अडानी को इतना फायदा पहुंचा दिया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी जिंदगी के 36 साल जर्नलिज्म करते हैं, 5-5 अखबार निकालते हैं। और अगर इस देश के लोगों को मूर्ख बनाना जर्नलिज्म है तो हमें वो जर्नलिज्म नहीं करना। इस देश का नुकसान करना अगर जर्नलिज्म है तो हमें वो नहीं करना। आपको मुद्दों से भटकाना और आपकी एजेंडा सेटिंग करना और अपने लोगों को ही उनकी मुसीबतों के लिए जिम्मेदार ठहरा देना, हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाना, दलित मुसलमानों के साथ में नफरत को बढ़ावा देना, अगर ये आपकी समझ में जर्नलिज्म है तो कम से कम मैं उस तरह का जर्नलिज्म नहीं करता, मैं उस तरह का जर्नलिस्ट नहीं हूँ। ये जो हम पर आरोप है कि आप एक्टिविज्म ज्यादा करते हैं, आप जर्नलिज्म नहीं करते, ये दरअसल इसके पीछे मुझे वो पूरी मानसिकता नजर आती है जो ये मानती है कि मेरिट सिर्फ हमारे पास हो सकती है, हम ही सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, हम ही सिर्फ किसी के बारे में अच्छे से बखान कर सकते हैं, बाकी सारा किसी में ये क्वालिटी नहीं हो सकती कि वो अपनी कहानी खुद बता सके। आप जब हमारी कहानियां पढ़ते हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये कहानी एक विक्टिम के प्रस्पेक्टिव से आ रही है। आप जो कहानी बता रहे हैं आप एक एलियन नजरिए से चीजें बताते हैं, आप कभी उन चीजों से गुजरे नहीं हैं, आपने कभी उनको करीबी से देखा नहीं है, आपने कभी उसको जिया नहीं है, इसलिए आप जो ऊपरी आवरण ओढ़कर उसका बखान करते हैं वो आपकी कहानी हो सकती है। मेरी कहानी मुझसे बेहतर आप बताएंगे, ये जर्नलिज्म मैं नहीं मानता, ये मैं आपकी क्वालिटी नहीं मानता। आपकी नजर में गांव है बड़ा फसलें लहरा रही हैं, आप गांव का चित्रण कीजिए, आपसे पूछिए गांव कैसा होता है, आप बताएंगे कि गांव तो बहुत खूबसूरत होता है, इस देश की आत्मा गांव में बसती है, मेरी दादी जो है वो चरखा कात रही थी, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, हल चला रहे थे, ट्रैक्टर साफ कर रहे थे, आम का अचार जो है बनाया जा रहा था, पापड़ सूख रहे थे, एकदम यही आपका गाँव का आपका वर्णन होगा। आप मुझसे पूछिए मेरा गाँव कैसा है, मेरा नजरिया कैसा है, मुझे किसी के खेत में मजदूरी करनी पड़ती है, मुझे किसी खेत में मेरे को गाली देके, मेरे को माँ की गाली देके, जाति की गाली देके भगाया गया, मेरे पिता कहीं पे बाहर खड़े हैं कि अन्न दे दो, मेरी माँ कहीं पे बेगारी कर रही है, तो मेरे लिए वो गांव नहीं है जैसा आपके लिए गांव है, इसलिए मेरी कहानी अलग होगी और आपकी कहानी अलग होगी। आप अपने हिसाब से जो कहानी बताते हैं मैं उसमें एग्री नहीं करता। पर आपको ये किसने ठेका दिया है कि आप ही हमारी कहानी बताएंगे? आपको हमेशा जो है वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बनना है और अपने हिसाब से ही सारी चीजें आपको गढ़नी है। और आप समझें कि दलित पिछड़े जो लोग हैं वो सामने बैठेंगे पंडाल में, आपके लिए कुर्सियां बिछाएंगे और फिर तालियां बजाएंगे जब आप हमारी कहानी बता के अवार्ड लेंगे, तो ये नहीं होने वाला। अब हमारे पास अपने चीजें हैं, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, और जब हम कहानी बता रहे हैं तो आपको सुनना पड़ेगा ना भाई, आपके पुरखों ने क्या किया सुनना पड़ेगा, आपको उस चीज को महसूस करना पड़ेगा कि आपके लोगों ने कितने इस देश में, इस देश के इतिहास में जब ये देश बन रहा था तो सबसे ज्यादा मक्कारी किन लोगों ने की है, वो हम बता रहे हैं ना आपको, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस देश को अगर आप बेहतर रहने लायक बनाना चाहते हैं, इस देश को अगर अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, तो आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हमारे लोगों ने गलतियां की हैं, हाँ हमने इस देश में हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया है, हाँ हमने लोगों का हक मारा है, हाँ हमने लोगों को पढ़ने नहीं दिया, हाँ हमने लोगों को मेरिट धारी होने से रोक दिया, हमने कहा कि मुंह से बच्चे पैदा होते हैं, हमने कहा कि बुझाओ से बच्चे पैदा होते हैं, हमने इस देश को इस तरह से बांट दिया, तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इस देश को उसी तरह से बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको बेहतर देश नहीं बनाना चाहते। रही बात मीडिया की कि हम कहानी क्या दिखा रहे हैं, तो मैं वही जैसे मैं शुरू कर रहा था कि अगर रूबिका लियाकत जो है जर्नलिज्म कर रही हैं, अगर दीपक चौरसिया साहब जर्नलिज्म कर रहे हैं, अगर सुधीर चौधरी साहब जो है जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों के सब मेरे पुराने कलीग रहे हैं, सबके साथ मैंने काम किया है,
मैं कम से कम वैसा जर्नलिस्ट नहीं हूं, मुझे ना आपका अवार्ड चाहिए, ना मुझे आपकी रेक्टिफिकेशन चाहिए, ना मुझे आपके बड़े बड़े लेख चाहिए, ना मुझे चाहिए कि आप किसी पैनल में बिठा के मेरे को बड़ा बनाएंगे, मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपने समाज के लोगों के लिए काम करना है, मुझे अपनी आवाज खुद उठानी है। हमारे पास कुछ कुछ साधन है और हमारे बहुत क्रिएटिव लोग हैं, सदियों से काम करते आ रहे हैं। आप बता सकते हैं क्या कि भारत का मीडिया, टीवी, अखबार जो आज चलता है वो जर्नलिज्म कर रहा है? आपको लगता है जर्नलिज्म कर रहा है? आपको लग रहा है जर्नलिज्म कर रहा है? आपको लगता है कि इस देश में जो चीजें आज खराब हैं उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है? मानते इस बात को? एंड आई एम वेरी प्राउड कि जो भी इस देश में मीडिया की वजह से चीजें खराब हो रही है ना, जिसको आपको लगता है कि मीडिया की वजह से वो चीजें खराब हुई हैं, मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि इस देश को बिगाड़ने में, इस देश को खराब करने में मेरे लोग हिस्सेदार नहीं है, क्योंकि भारत का मीडिया 90% मीडिया अपर कास्ट लोगों के हाथ में है। कोई दलित आपको रिपोर्टर नहीं मिलेगा, कोई दलित आपको एंकर नहीं मिलेगा, कोई दलित आपको जो है किसी चीज का एडिटर नहीं मिलेगा। यानी जो आपके दिमाग में जो चीजें डाली जा रही हैं, जो मुद्दों से भटकाया जा रहा है, जो एजेंडा सेटिंग की जा रही है, आपको आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, मेरे लोग उसमें हिस्सेदार नहीं है। और मुझे इस बात का गर्व है कि वो इस देश को ऐसा बर्बाद नहीं कर रहे, ये करने वाले आपके ही लोग हैं। आप पकड़िए उनके गिरेबान, उनसे पूछिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर ये जर्नलिज्म आपकी नजर में होता है तो भाई हमको ऐसा जर्नलिज्म नहीं करना, हमको अपने लोगों के लिए ये देखना है कि उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल रही है क्या, उनके बच्चों का ड्रॉप आउट रेशो कम हुआ है क्या, क्यों हमारी जो महिलाएं हैं आदिवासी वो 14 साल पहले मर जाती हैं, क्यों हमारे लोगों को जो है बेसिक सैनिटेशन नहीं मिलता, क्यों उनको स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते, क्यों हमारे बच्चे IIT IIM जैसे बड़े संस्थानों में जाके उनकी सांस्थानिक हत्या हो जाती है, उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, क्यों हमारी महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं। तो ये मुद्दे हमारे हैं, इस पर हम काम करते हैं। और अगर आपको ये एक्टिविज्म लगता है तो आप कहते रहिए साहब आप तो नामकरण में माहिर हैं, आपने तो बहुत नामकरण किए इस देश के, आप तो बोलते रहे हैं जो आपके मन में आता रहा है, हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारी भाषा में जर्नलिज्म लोगों की मदद करना है, इस देश को बेहतर बनाने लायक काम हमारे लोग सदियों से करते आ रहे हैं, आज की बात नहीं है। जब मेरे से लोग पूछते हैं ना कि आप जर्नलिज्म में कहां से इंस्पायर होते हैं, किससे प्रेरणा लेते हैं, तो मेरे को रूबिका लियाकत या अंजना ओम कश्यप से या श्वेता से इन सबसे प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। जब हम IIMC में थे तो हमको पढ़ाते थे जर्नलिज्म का मतलब है सवाल उठाना, सवाल उठाइए, जो आपके आसपास गलत हो रहा है, जो आपके आसपास अन्याय हो रहा है उस अलिया निशान लगाइए और कोशिश कीजिए कि जो पीड़ित है, जो व्यक्ति है, उसके साथ आप खड़े हो सकें। और इस परिभाषा में अगर मैं आज के जर्नलिज्म को देखूं, क्या कोई सवाल उठाता है कि क्यों इस देश में लोगों की नौकरियां चली गई, क्यों आपने कोरोना के समय में व्यवस्था नहीं बनाई, क्यों आपने अडानी को इतना फायदा पहुंचा दिया, क्यों आप अपने लोगों को अपने जो आपके खिलाफ है उनको जेल में डाल देते हैं, किसी में है हिम्मत सवाल उठाने की? मैं जानता हूं इंडस्ट्री में रहता हूं तो कि कौन कितना काम करने वाला है, लेकिन ये सवाल उठाने का काम हमारे लोग सदियों से कर रहे थे। आप बुद्ध पर चले जाइए, आप संत रविदास पर चले जाइए, वो ये सवाल उठा रहे थे कि ये क्यों इस देश में गैर बराबरी हो रही है, क्यों इस देश में सिर्फ जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर गुणों का बंटवारा होगा और उसके हिसाब से तय होगा कि कौन मेरिटधारी है। वो कहते हैं ना, उनका आप दोहा देखिए, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण और ब्राह्मण ना पूजिए जो होवे गुणहीन, जात जात में जात है जो केतन के पात, रहदास मनुष्य ना बन सके जब तक जात न जात। ये हमारे लोग पुरखे कर रहे थे। आप कबीर पर आइए, जो तो बामन बामनी जाया आन बाट का है ना आया, तुम उसी रास्ते से कैसे पैदा हो गए जिस रास्ते से मैं हूं, अगर तुम ब्राह्मण हो तुम श्रेष्ठ हो। तो ये सवाल हमारे लोग कर रहे थे। आप जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले पे आइए, दीन बंधु नाम का अखबार शुरू करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी जिंदगी के 36 साल जर्नलिज्म करते हैं, 5-5 अखबार निकालते हैं, पेरियार साहब निकालते हैं, माननीय कांशीराम साहब निकालते हैं। तो हमारे पास पत्रकारिता की एक लंबी विरासत है जिससे हम प्रेरित हो सकते हैं, और वो जर्नलिज्म कर रहे थे, वो एक्टिविज्म कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, इस देश को खराब नहीं कर रहे थे, इस देश की बुनियाद मजबूत कर रहे थे, वही काम हम कर रहे हैं। आपको जो नाम देना है देते रहिए। शुक्रिया।